एक आग के तांडव की खबर के साथ। दिल्ली के नरेला में एक बार फिर से आग लगी है। आपको बता दें कि नरेला में कुछ दिन पहले ही आग लगने की एक घटना हुई थी एक फैक्ट्री में, लेकिन इस बार जूता फैक्ट्री में आग लगने की सूचना सामने आई है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग के 10 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। हालांकि किसी के भी हताहत होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। आग पर काबू पाने की कोशिश भी जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटें निकल रही हैं। आपको बता दें कि इससे थोड़े समय पहले ही, कुछ दिनों पहले जूता फैक्ट्री में आग लगी थी और एक बार फिर से एक जूता फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग का जो पहला फ्लोर है, पहली मंजिल है, वहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और आग किन कारणों से लगी ये जानने की कोशिश भी इस वक्त जारी है। रेस्क्यू टीम आपको नजर आ रही होगी जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रही है। अंदर अगर लोग फंसे हैं तो उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। अभी हम खड़े हैं नरेला इलाके के अंदर। अगर बात नरेला इलाके की की जाए तो आज फिर सुबह आग लगने के आसपास फायर कंट्रोल मिलती है कि जूता चप्पल की जो फैक्ट्री है एच ब्लॉक के अंदर, उसके अंदर फिर एक बार आग लगती है। और फायर की अगर गाड़ियों की बात की जाए तो लगातार जो फायर की गाड़ियां हैं उन्होंने आग को बुझाने का पूरा जो मशक्कत है वो की है। आग पर थोड़ा कंट्रोल जरूर कर लिया है। धुएं की अगर बात की जाए तो फैक्ट्री से अभी भी धुआं जो है लगातार निकल रहा है और आप देख सकते हैं फायर के कर्मी किस तरह अभी आग बुझाने का सिलसिला जो है वो बिल्कुल चालू है। केमिकल वगैरह से कुछ छिड़काव वगैरह उनसे किया जाएगा ताकि जो धुआं है वो और जो आग है वो और थोड़ी शांत हो जाए। मगर जूता चप्पल बनाने की जो फैक्ट्री है लगातार 3 दिन के अंदर उसके अंदर दूसरी बार दूसरी फैक्ट्री के अंदर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है आग लग चुकी है। और फायर की अगर बात की जाए तो लगातार जो फायर की गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर मौके पर है और कैट्स एम्बुलेंस की गाड़ी भी मौके पर ताकि अगर बाई चांस कोई कैसुलिटी मिलती है तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जो है लेके जाया जा सके। नीरज शर्मा, जी मीडिया। मेरे सहयोगी नीरज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, नरेला में ये दूसरी आग की घटना है। इससे पहले एक और जूता फैक्ट्री में आग लगी थी और एक बार फिर से जूता फैक्ट्री में आग लगने की एक खबर सामने आई है। क्या ये लापरवाही का नतीजा है? आग लगने की वजह क्या है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं नीरज। देखिए मैं आपको बता दूं, आज सुबह कॉल मिली थी 8 बजे के आसपास की गई नरेला के अंदर। इसके बाद फायर की जो 8 से 10 गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पहुंची थी और फायर की गाड़ियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू भी पा लिया है। कूलिंग का जो काम है वो लगातार चल रहा है। और अगर बात घटना की जाए तो लगातार 3 दिन पहले भी नरेला के अंदर जो जूता चप्पल की फैक्ट्री है उसमें आग लगी थी और 2 जो मजदूर है उनकी मौत भी हुई थी। अगर कहीं ना कहीं लापरवाही का जो मामला है वो लगातार सामने आता है कि जूता चप्पल की जो फैक्ट्री होती है उसके जो सोल्यूशन होता है सोल्यूशन की जो चीज होती है उससे लगातार जो आग है वो एकदम भड़क सी जाती है और वो उसको कंट्रोल में करना काफी मुश्किल हो जाता है। मगर गरीबत ये रही कि यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी और जो जूता चप्पल का जो सॉल्यूशन वगैरह था तो वहां पर कोई आग घटना जो है नहीं कर। नीरज, पिछले बार केमिकल की वजह से आग लगी थी, इस बार आग की वजह क्या बताई जा रही है? क्या इस बार भी, क्योंकि जूता फैक्ट्री जो होती है जहां पर जूते बनाए जाते हैं वहां पर केमिकल रखा जाता है और जो पिछला केस था अगर उसकी बात करूं तो पिछले केस में ऐसा था कि जो केमिकल था वो पहले दूसरे और तीसरे तीनों फ्लोर्स पर रखा हुआ था और इस वजह से आग लगातार बढ़ती चली गई, कई घंटों तक आग पर काबू ही नहीं पाया जा सका। इस बार स्थिति क्या है? क्या इस बार भी किसी केमिकल की वजह से आग लगी है या आग की वजह कोई और है? देखिए मैं आपको बता दूं कि फायर के जो कर्मी है वो लगातार इस बात का पर ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि आग का अब काबू पाया जा चुका है। और देखने वाली बात अभी अगर बात हमने फायर जब डिपार्टमेंट से की थी तब उन्होंने बताया कि अभी जो है ये बात कहना मुश्किल है कि किसके किसके जरिए आग लगी थी, क्या सोल्यूशन जगह बन सकती है या तो शॉर्ट सर्किट है वो वजह बन सकती है। मगर अगर बात अगर फायर की भी कर जाए तो लगातार जो ऑपरेशन है वो अभी चालू है और जब तक ये पूरी कूलिंग का काम नहीं हो जाता ये बताना मुश्किल है कि आग के क्या काम रहे। नीरज, सबसे ज्यादा जरूरी, कितने लोग फंसे हुए हैं? क्या अभी तक हताहत होने की कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन क्या लोग अभी फंसे हुए हैं या सभी को बाहर निकाला जा चुका है? जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कितने लोग इस फैक्ट्री में मौजूद थे? देखिए मैं आपको बता दूं जिस टाइम फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी 8 बजे के आसपास की कॉल है और फायर के जो कर्मी है वो लगातार 8 से 10 गाड़ियां जो है मौके पर पहुंचती है और बताया जाता है कि आग सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी और वहां पर सिर्फ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक गार्ड मौजूद था और यहाँ फैक्ट्री के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था जिससे जो बड़ा हादसा है वो होने से बच गया।
यानी कि ये तो गनीमत रही कि लोग कम थे, अगर लोग ज्यादा होते तो आग की एक बड़ी घटना सामने आ सकती थी, और इस आग की वजह से जहां लाखों का नुकसान हो रहा है, अनमोल जिंदगियां भी तबाह हो सकती थी। एक बड़ी सूचना, एक बड़ी खबर हमें मिल सकती थी, लेकिन बड़ी खबर जो है वो, बड़ी अपडेट जो है वो यही है कि आग लगने के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, एक गार्ड था जो वहां से निकल गया है। प्रत्यक्षदर्शी अगर मौजूद रहे तो उनकी ओर से क्या बयान सामने आया है नीरज, उनका क्या कहना है कि आग कितनी बजे लगी, किस वजह से लगी और किस तरह से ये बढ़ती चली गई, इस पूरी वारदात को प्रत्यक्षदर्शियों ने अगर देखा है तो उनका क्या कहना है पूरी घटना को लेकर? देखिए मैं आपको बता दूं, जब हमारे जेम मीडिया की टीम यहाँ पर पहुंची तो हमने यहाँ पर जानकारी भी हासिल करने की कोशिश करी और बताया कि जो यहाँ पर मौजूद थे 8 बजे के आसपास यहाँ पर आग लगी थी। गार्ड जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ था और उसको जब ये धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, उसने अपने मालिक को कॉल किया और उसके बाद फोन नंबर पे कॉल करने के बाद फायर की जो कॉल है उसको भरी गई और 8 से 10 गाड़ियां जो है फायर की यहाँ पर मौके पर मौजूद है। मगर अगर आग लगने का जो कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जूता चप्पल का सोल है, प्लास्टिक है, सोल्यूशन तो नीचे नहीं था, सोल्यूशन तो ऊपर नहीं था, मगर जो प्लास्टिक के सोल होते हैं उसके अंदर जो आग है वो पकड़ती चलेगी, जिससे क्या है कि 1 से 1.5 घंटा जरूर लगा फायर कर्मियों को, मगर अब कूलिंग का काम जारी है और आग को जो है पूरी तरह काबू पा लिया गया। फैक्ट्री के मालिक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, फैक्ट्री के ओनर जो है उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति को लेकर कोई अपडेट? नहीं, फैक्ट्री के जो मालिक है वो यहाँ पर मौके पे मौजूद है, मगर अभी पुलिस से बातचीत कर रही है और वो कैमरे के आगे भी आने के लिए मना कर रहे हैं। तो अभी अगर फायर की बात की जाए तो लगातार जो फायर की कर्मी है वही अंदर ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कोई जिस तरीके से आग लगी उसका कारण वगैरह अगर मिल जाता है तो। जी ठीक है नीरज।